इंडो श्रीलंका अकॉर्ड ऑफ 1987 इसे बोलते हैं राजीव जयवर्धन अवार्ड. सो इसे प्रॉपरली बोलते थे राजीव जयवर्धन अकॉर्ड. एंड यहाँ पे तीन कॉन्टेशियस इशू को डील करने की कोशिश की थी बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया. एक तो था स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, दोनों कंट्री के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट. अदर थिंग इज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन श्रीलंका एंड तमिल माइनॉरिटीज इन श्रीलंका. तो एक था स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, एक पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन श्रीलंका एंड थर्ड वन इज तमिल माइनॉरिटीज राइट्स इन श्रीलंका. इसी अकॉर्ड के जो 1987 का अकॉर्ड था, इसी अकॉर्ड के से ही जो हमारे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थे वो गए थे श्रीलंका में. इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इसी अकॉर्ड के बाद श्रीलंका गए थे. तो इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग श्रीलंकन फोर्सेस क्या करेंगे, वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, नॉर्थ से विड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे तमिल माइनॉरिटीज थे, वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे एंड तमिल जो रिबल्स हैं वो आर्म्स छोड़ देंगे, दे विल डिसआर्म. और ये अकॉर्ड चाहता था कि इसका काम क्या था कि श्रीलंका सिविल वॉर खत्म हो जाए. कैसे? बाय इनेबलिंग 13th अमेंडमेंट. 13th अमेंडमेंट में क्या था कि हम जो तमिल जो श्रीलंका है तमिल्स को भी राइट देगा भाई. 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो 13th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका टू प्रोवाइड राइट्स टू द तमिल माइनॉरिटीज़.